Assalamualaikum स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट vectors इन आर थ्री वैक्टर्स इन आर थ्री आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेटियल वैक्टर्स इन फिजिक्स वी यू यूली डील विद आर थ्री अब हम देखते हैं कि आई जे के नोटेशन जो है आर थ्री में वैक्टर्स की वो किस तरीके से अगर हमारे पास जो आई है जो एक वैक्टर आई है वो इस टाइप का होता है वन जीरो जीरो जो कि हमारे पास डिनोट करता है यूनिट वेक्टर को इन एक्स डायरेक्शन सिमिलरली जो जे वेक्टर है वो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है इन वाई डायरेक्शन एंड के वेक्टर डिनोट्स द यूनिट वेक्टर इन दी जेड डायरेक्शन और कोई भी वेक्टर आर थ्री में वेक्टर यू को हम इस तरह से लिखें ए बी सी तो उसको आर थ्री में हम आई जे के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी क्या नोटेशन होगी दैट ए बी सी विल बी इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अगर हमारे पास जो हमारे पास ये वेक्टर्स आई जे के हैं ये यूनिट वेक्टर्स भी होते हैं एंड दीज यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली और थॉगनल्स और मीन्स कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू ज़ीरो आएगा और ये चूंकि यूनिट वेक्टर्स हैं तो इट्स मीन का इनका इट्स सेल्फ के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा वन आता है यानी आई डॉट आई विल बी वन जे डॉट आई विल बी वन ऑल्सो के डॉट के इक्वल टू वन बट आई और जे जो हैं ये वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ और थॉगनल हैं तो इट्स मीन आई डॉट जे विल बी जीरो जे डॉट के विल बी जीरो एंड जे डॉट के विल बी जीरो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेक्टर ऑपरेशंस जो है इन आई जे के मोटेशन हम उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि सपोज हमारे पास एक वेक्टर है यू जिस जो इक्वल है ए वन आई प्लस बी ए टू जे प्लस ए थ्री के और वी एक वेक्टर है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के तो इसमें हमने अगर वेक्टर एडिशन डिफाइन करनी है मीन्स हमने यू प्लस वी फाइंड करना है तो वो किसके कोल होगी ए वन प्लस बी वन ए वन प्लस बी वन इंटू आई प्लस ए टू प्लस बी थ्री इंटू जे एंड प्लस ए थ्री प्लस बी थ्री के यानी फर्स्ट 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 करोस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दिया है और करोस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ आए था तो हमने आई लिख दिया सेकंड के साथ जे था और थर्ड के साथ के था तो हमने उसको इस तरीके से लिख दिया इसी तरह हम uh, जो आई जे के नोटेशन में वेक्टर्स हैं उनकी हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं सपोज़ जो वैक्टर यू है इसके साथ आपने इसकी एक सी हमने लिया है वैक्टर स्केलर uh, लिया है उसको यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी ए वन आई प्लस सी ए टू जे प्लस सी ए थ्री के स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी डिफाइन हो गई इसी तरह हमारे पास जो वेक्टर्स u एंड v हैं उनकी हम डॉट प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं मीन्स u डॉट v किस तरीके से डिफाइन करेंगे a1b1 a1b1 ए वन बी वन और साथ में i डॉट आई करना था वी नो दैट आई डॉट आई इक्वल टू वन सो उसको लिखने की जरूरत नहीं प्लस सेम यहाँ से क्या आ जाएगा ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ना आई डॉट आई वाले टर्म जो है वो वन के इक्वल आ जाएंगी और आई डॉट जे वाले टर्म जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएंगी सो हमारे पास यू डॉट बी जो बचेगा वो इसके इक्वल बच जाए सिमिलरली यहाँ से हम यू नॉर्म जो है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं वो किसके इक्वल होगा दैट विल बी यू डॉट यू इट्स स्केयर रूट एंड दैट विल बी इक्वल टू ए वन स्केयर प्लस ए टू स्केयर प्लस ए थ्री स्केयर एंड इट्स स्केयर ठीक है मीन्स के जैसे हमने सिंपल वैक्टर्स में वेक्टर एडिशन के लिए मल्टीप्लीकेशन और डॉट प्रोडक्ट डिफाइन की थी सेम इसी तरह हम आई जे के नोटेशन में भी इनको शो कर सकते हैं तो अब यहां से भी uh, जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट आई वन हो जाएगा और आई डॉट जे जो होगा वो वाली टर्म जो है वो जीरो हो जाएंगी एग्जांपल है यू इक्वल टू थ्री आई प्लस फाइव जे माइनस टू के एंड वी वैक्टर इज इक्वल टू फोर आई माइनस एट जे प्लस सेवन के अब यहाँ से आपने फाइंड करना है यू प्लस वी थ्री यू माइनस टू वी यू डॉट वी एंड यू नॉम वीडियो को पॉज कर लें और इसको फाइंड आउट करें यहाँ पर मैंने आपको डिफ़ाइन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से एफडिशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन और ये बाकी सारे टर्म्स जो है वो कैल्कुलेट करनी है तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें ओके okay, अब हम देखते हैं कि आर थ्री में वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होती है क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस तरीके से यू क्रॉस वी से डिनोट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करते हैं सपोज यू हैव वेक्टर्स यू एंड वी ऑफ द फॉर्म ओके अगर तो हमारे पास जो तो डिटर्मिनेंट है ऑर्डर टू का है तो उसमें हमने सिंपल डायग्नल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके दोनों को आपस में माइनस कर देना है अब यहाँ से हमारे पास यू वी जो है वो आई जे के यानी इसके थ्री कंपोनेंट्स हैं तो इस टाइप के वेक्टर्स के अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे पहले इसको एक रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में लिख लेंगे यानी इसको आपने लिख लेना है दैट इट विल बी इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री एंड इट्स डिटर्मिनेंट साथ में आई कंपोनेंट प्लस इसी तरह सेम ये वाले सारे एलिमेंट साथ में जे कंपोनेंट एंड देन के कंपोनेंट अब इस तरह से मैंने लिख लिया इसको किस तरीके से लिखा है कि हमने यू वाले कंपोनेंट्स को अबव लिखा है और बी वाले कंपोनेंट्स को यू कंपोनेंट्स के ब्लो लिखा है अब हमने यू क्रॉस वी किस तरीके से फाइंड करनी है फर्स्ट आपने क्या करना है जो आई वाले कंपोनेंट हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आई वाला कंपोनेंट लिखा देन नेगेटिव जे वाले कंपोनेंट एंड देन प्लस के वाले कंपोनेंट तो इसमें क्या करना है कि फर्स्ट पेयर में हमने ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको कवर कर दें और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लें तो यहाँ से डायगनल एलिमेंट्स क्या हैं ए टू एंड बी थ्री तो यहाँ से U क्रॉस V क्या आ जाएगा U क्रॉस V विल बी इक्वल टू इसको तो कवर कर दिया पीछे क्या रह गया A2 B3 माइनस नॉन डायगनल एलिमेंट्स दोस विल बी ए थ्री बी टू माइनस ए थ्री बी टू और साथ में हमारे पास क्या है आई कंपोनेंट, देन नेगेटिव अब जे वाले कंपोनेंट्स में क्या है अब जे वाले कंपोनेंट्स में हमने सेकेंड कॉलम को कवर करना है और बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उनका आप ले लें डिटर्मिनेंट ले uh, लें ले. तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा सेकेंड कॉलम को कवर करके ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन एंड विद जे प्लस अब के कंपोनेंट में हमने क्या करना है लास्ट कॉलम को कवर कर दो और बाकी का डिटर्मिनेंट ले लो यहाँ से क्या आ जाएगा ए वन बी वन माइनस ए टू बी वन लास्ट को कवर ना तो ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई u क्रॉस v अब कोई भी वेक्टर्स आपको u और v गिवन है और कहा जाए जो कि R3 में डिफाइन है उनका कहा जाए कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी मींस क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है u क्रॉस v तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो अगर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं करना तो स्टेप बाय स्टेप इनकी डिटर्मिनेंट लेते जाएं और फिर आप उसको सॉल्व कर लें डिटर्मिनेंट लेने के लिए पहले क्या करना है यू के वेक्टर्स को ऊपर वाली फर्स्ट रो में लिखना है बी के जो कंपोनेंट्स यू के कंपोनेंट्स की बात हो रही है ए वन ए टू ए थ्री के कम्पोनेंट्स हैं उसको फर्स्ट रो में लिखना है और वी के कंपोनेंट्स को सेकेंड रो में साथ में आई देन माइनस सेम यू के कंपोनेंट्स अबव लाइन फर्स्ट रो में वी के कम्पोनेट सेकेंड रो में साथ में जे एंड देन प्लस ए वाले कंपोनेंट्स ठीक है उनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट क्या करना है ए वाली आई वाले कंपोनेंट में फर्स्ट कॉलम को कवर कर दो बाकी का डिटर्मिनेंट ले लो सेकेंड जे में सेकेंड को कवर कर दो और के में थर्ड को कवर कर दो और उनका डिटर्मिनेंट लो तो हमारे पास आ जाएगा यू क्रॉस वी अब एग्जाम्पल वन पॉइंट एट है फाइंड यू क्रॉस वी वेर यू इक्वल टू फोर आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के एंड वी इक्वल टू टू आई प्लस फाइव जे माइनस थ्री के यू हैव टू फाइंड यू क्रॉस वी तो आप या तो पहले यू के कंपोनेंट को फर्स्ट फॉर्म रो में लिख लो वी के कंपोनेंट को सेकंड रो में लिख लो और फिर उनको रोज़ कॉलम्स को कवर करने के बाद उनका डिटर्मिनेट ले लें या अगर आपको डायरेक्ट ये वाला फार्मूला याद है कि यू क्रॉस वी किसके इक्वल है ए टू बी थ्री अब यहाँ पे ए टू क्या है यू वाले कंपोनेंट जो है वो ए वन ए टू ए थ्री हैं वी वाले कंपोनेंट बी वन बी टू बी थ्री है इनको इस फॉर्म में इस फार्मूले में पुट कर दें ए वन ए टू की वैल्यू तो यहाँ से ए टू बी थ्री ए टू है थ्री और बी थ्री क्या है दैट इज ऑल्सो थ्री तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस नाइन देन माइनस ये फार्मूले वाला ए थ्री बी टू ए थ्री इज सिक्स बी टू इज फाइव तो सिक्स फाइव आर थर्टी माइनस थर्टी इंटू आई ठीक है नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है फॉर्मूले का माइनस ए वन बी थ्री ए वन इज़ फोर बी थ्री इज माइनस थ्री तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ट्वेल्व देन माइनस ए थ्री बी वन ए थ्री इज सिक्स बी वन इज़ टू तो यहाँ से आ गया ट्वेल्व जे प्लस ए वन बी टू ए वन इज़ फोर बी टू इज़ फाइव ट्वेंटी माइनस ए टू बी वन थ्री एंड टू तो यहाँ से आ गया सिक्स के ठीक है अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो यहाँ से आ गया माइनस थर्टी नाइन आई माइनस 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 प्लस है तो माइनस माइनस प्लस मीन्स माइनस का ट्वेंटी फ़ोर और ये माइनस माइनस यहाँ से आ गया प्लस ट्वेंटी फ़ोर जे प्लस ट्वेंटी माइनस सिक्स दैट इज़ फोर्टीन के तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गई U क्रॉस V ठीक है अब यहाँ पे मैंने एक सेकेंड एग्जाम्पल uh, का ही पार्ट है इसी एग्जाम्पल का U वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स हैं टू माइनस वन फाइव वी है थ्री सेवन फाइव इसमें भी आपने क्या करना है U क्रॉस V ही फाइंड करना है ठीक है सेम आप पहले इसको आई जे के नोटेशन में लिख लो और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो तो आपके पास यू क्रॉस वी आ जाएगा ये आपने खुद से सॉल्व करना है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स आई जे के आर एस फॉलोस ये आप लोग फेमिलियर हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई जे के किस तरीके से हम डिनोट करते हैं यानी ये एक साइकिलिकमोटेशन में हम इसको डिफाइन करते हैं वेयर आई फॉलोस के एंड के प्रोसीड्स आई यानी इसको आपने अगर आपने साइक्लिक प्रमोटेशन में आई फॉलोजे अगर यहाँ पर आपके पास एक वैक्टर है आई यहाँ पर आपके पास है जे और यहाँ पे आपके पास है के तो हम एक साइक्लिक परमोटेशन में डिफाइन करते हैं दैट आई क्रॉस जे डैट विल बी के जे क्रॉस के विल बी इक्वल टू आई एंड सिमिलरली के क्रॉस आई विल बी इक्वल टू जे और सिमिलरली जब हम रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पास उसका नेगेटिव आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं इफ़ यू वी एंड डब्ल्यू आर वैक्टेड इन आर क्यूब दैन

आर क्यूब तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यू एंड वी आर और यानी क्रॉस प्रोडक्ट और होती है बहुत यू एंड वी के और उनके एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट को हम पैरलो uh, पाइप के वॉल्यूम से शो करते हैं ठीक है होपफुली आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो गया होगा अगर स्टिल यू हैव सम डाउट्स यू कैन आस्क मी अगर लेक्चर हेल्पफुल हुआ आपके लिए तो ये जो वीडियो है इसको लाइक करके कर दें ताकि मुझे पता लग जाए वाकई आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल ओके थैंक यू सो मच